नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नशे के खिलाफ अंबाला पुलिस का एक्शन मोड इन दिनों लगातार जारी है। इसके चलते सीआईए शहजादपुर के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। आपको बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर सीआईए शहजादपुर ने अंबाला शहर बलदेव नगर पुल के नीचे विनोद कुमार को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से 696 नशीले कैप्सूल बरामद किए हैं। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए एएसपी दीपक ने बताया कि सीआईए शहजादपुर को गुप्त सूचना मिली थी कि बलदेव नगर निवासी एक व्यक्ति पिछले काफी समय से नशा बेचने का काम करता है। 16 और 17 अप्रैल की रात को विनोद कुमार नशीले कैप्सूल की सप्लाई करने जा रहा था। इस सूचना पर पुलिस ने रेड करते हुए आरोपी को 696 नशीले कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश करके उसका 2 दिन का रिमांड मंजूर किया। रिमांड के दौरान ये पता लगाया जाएगा कि वो ये नशीले कैप्सूल कहां से लाता था और किसको बेचता था। अंबाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। कि अंबाला पुलिस जो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संदीप सिंह रंधावा के नेतृत्व में जो लगातार नशे में जो लिप्त अपराधी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो चली आ रही है, उसी कड़ी में सीआईए शहजादपुर की टीम ने 16 और 17 अप्रैल की रात को एक सीक्रेट इन्फो पे रेड की यहाँ पे अंबाला में और उससे हमें 696 कैप्सूल बरामद किए और एक अपराधी को हमने गिरफ्तार किया जिसको 2 दिन के रिमांड पे हमने लिया है। सर कहाँ से लेकर आ रहा था, कहाँ लेकर जा रहा था, क्या? देखिए, हमें सिर्फ सीक्रेट इन्फो मिली थी कि ये जो अपराधी है ये काफ़ी दिन से नशीले पदार्थों का कारोबार कर रहा है, जो ये हमने इन पे इन्फॉर्मर्स भी लगा रखे थे। तो फाइनली हमें उस दिन इनपुट मिला था कि रात को किसी को डिलीवरी देने जाएगा और इसके पजेशन में हमें पुख्ता ये जानकारी मिली थी कि इसके पजेशन में ऐसी नशीली सामग्री हो सकती है, तो उसी इन्फो पे हमने कार्रवाई की थी। और बाकी हम जो पुलिस रिमांड लिया है उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ये कहाँ से लेके आता था और कहाँ इसको डिलीवर करना था, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मेन हैंडलर्स इसके पीछे कौन है। बताइए, जो मकान नंबर 10/161 बलदेव नगर का रहने वाला है। देखिए, वो हम ट्रेस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमें पहले से इनपुट थी कि अंबाला शहर में कुछ लोग एक्टिव हैं जो एनडीपीएस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। 696 कैप्सूल्स हैं और बाकी जो हमने जो सीज किया है वो अकॉर्डिंगली हम एफएसएल भेजेंगे, वेरीफाई कराएंगे, और इन द मीन टाइम हम कोशिश करेंगे कि जो हमने पुलिस रिमांड लिया है तो इससे हम इसके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लेके और कार्रवाई करेंगे कि इसने कहाँ से परचेज किया था, अगर कुछ इंटरस्टेट से ये अगर डिलीवरी लेके आया था और या फिर इसको इंटरस्टेट डिलीवरी करनी थी या सिटी में ही डिलीवरी करनी थी, वह हम फाइंड आउट करेंगे और आपको भी हम सूचित करेंगे। पहले कभी नहीं पकड़ा गया है, ये जो भी जानकारी अभी तक सामने आई है उसमें अभी तक कोई केस इसके खिलाफ सामने होना नहीं पाया गया, पर फिर भी हम वेरीफाई कराएंगे कि अगर ये पहले किसी की एड में या असिस्ट करने में ये शामिल रहा है तो वो हम और भी वेरीफाई करेंगे। अमाउंट वाइज हमने अभी तक वेरीफाई नहीं किया है। कितने समय से सर काम कर रहा था, कितने साथी इसके साथ हैं, वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरोगेशन में पुलिस रिमांड हमने लिया इसीलिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।